चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। शियान की पोर्ट सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ भोज का आयोजन। प्रोटोकॉल तोड़कर चीन के राष्ट्रपति ने शियान में किया मोदी का स्वागत। दोनों नेता साथ घूमने पहुंचे गुज पैगोडा। प्रधानमंत्री ने डाजिंग शियान के बौद्ध मंदिर में की प्रार्थना। मोदी को देखने के लिए उमड़ी प्रशंसकों की भीड़। शियान से बीजिंग के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। कल प्रधानमंत्री ली केयांग से होगी आधिकारिक बातचीत। नागपुर में संघ प्रमुख से मिले गृह मंत्री राजनाथ सिंह। करीब दो घंटे चली मुलाकात में भूमि बिल को लेकर हुई माथापच्ची। मुआवजे को लेकर मुजफ्फरनगर में किसानों का प्रदर्शन। 20 किलोमीटर के पैदल मार्च के बाद डीएम ऑफिस पर अनिश्चितकालीन धरना। महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे राहुल गांधी। कल जाएंगे तेलंगाना। आदिलाबाद के 5 गांवों में करेंगे पद यात्रा। किसानों से भी करेंगे मुलाकात। कल हरियाणा सरकार जारी कर सकती है वाड्रा लैंड डील की जांच के लिए नोटिफिकेशन। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद मुमकिन है फैसला। नीतीश कुमार ने मानी आपदा प्रबंधन में कमियों की बात। बोले अगर बिहार में आया भुज जैसा भूकंप तो मरेंगे 5 लाख लोग। जम्मू में बीजेपी की महासंपर्क अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। हरियाणा के पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के खिलाफ गुड़गांव में FIR। अदालत के आदेश के फर्जी वोट मामले की जांच कर रही है SIT। बीजेपी में शामिल होने वाले पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री मंजुल कृष्ण का यूटर्न। फैसले पर जताया अफसोस। फिर से दीदी की पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का लालू और नीतीश पर हमला। बोले जीतन राम मांझी के बिना नहीं बनेगी किसी की सरकार। दिल्ली के कानून मंत्री की फर्जी डिग्री को लेकर बढ़ता जा रहा है बवाल। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पानी भरने को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष। 12 घायल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासियों की रैली। भूमि बिल के विरोध में जमा हुए हजारों आदिवासी। इलाहाबाद में नगर निगम के खिलाफ 7वें आसमान पर लोगों का गुस्सा। प्रदर्शन किया आयुक्त के दफ्तर पर चूड़ियों के साथ प्रदर्शन। केरल में गरमाई सियासत। CPI ने केंद्र की NDA सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कोलकाता में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स का ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। चक्रधर महतो पर देशद्रोह के मामले में पकड़ा तूल। जयपुर में NSCI चुनाव के दौरान हथियार लेकर घूमते नजर आए नेता। बीजेपी ने साधा निशाना। कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। कोलकाता में CPM दफ्तर में तोड़फोड़। TMC कार्यकर्ताओं पर आरोप। UP के बांदा में हाई टेंशन लाइन टावर पर चढ़ा किसान। 2.5 घंटे तक चला ड्रामा। मुआवजा नहीं मिलने से था परेशान। यूपी के श्रम मंत्री को सांत्वना देने ऋषिकेश पहुंचे शिवपाल यादव और आजम खान। 4 दिन पहले गंगा में डूब गई थी शाहिद मंजूर की बेटी। ढूंढने की कोशिश अब भी जारी। इलाहाबाद में प्रोफेसर पर भड़का छात्रों का गुस्सा। जमकर की पिटाई। एक छात्रा ने लगाया था यौन शोषण का आरोप। हरियाणा में हिसार की अदालत में गैंग वॉर। जींद से पेशी के लिए लाए गए नामी बदमाश की गोली मारकर हत्या। एक पुलिसकर्मी जख्मी। सतना में एक युवक ने 100 रुपए के विवाद में 2 दोस्तों पर चढ़ा दी गाड़ी। एक की मौत। पहले तीनों ने साथ बैठकर पी थी शराब। मेरठ में महिला टीचर की गोली मारकर हत्या। सौतेले बेटे वरुण पर आरोप। पहले भी किया था हमला। पंजाब के बठिंडा में रेलवे क्रॉसिंग पर भयानक हादसा। ट्रेन से टकराया ट्रक। 4 की मौत।
कानपुर में बिजली विभाग के तार के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया कारोबारी, ट्रक में लदे थे कॉपर और एल्यूमिनियम के तार, पुलिस को बड़े नेटवर्क का शक। बेंगलुरु में सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने आग लगाकर आत्महत्या की, कई साल से डिप्रेशन में थे बुजुर्ग। मध्य प्रदेश के भिंड में रेत के अवैध कारोबार को लेकर डबल मर्डर, ट्रैक्टर में भरकर लाए थे हथियार, फिल्मी स्टाइल में चलाई गोलियां। चिटफंड घोटाले को लेकर कसा सीबीआई और ईडी का शिकंजा, एमपीएस के दफ्तर में ताबड़तोड़ छापेमारी। हरियाणा के भिवानी में दलित की पीट पीट कर हत्या, मृतक के बेटे ने आरोपियों के घर की लड़की से किया है प्रेम विवाह। हरिद्वार में 3 लाख के यूरो के साथ पकड़ा गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा तस्कर, मनी एक्सचेंजर की मदद से मिली कामयाबी। दिल्ली के राजेंद्र नगर में अज्ञात लोगों ने 2 लोगों को गोली मारी, एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बिहार के गया में गांव वालों ने 2 लोगों की हत्या की, अवैध संबंधों का शक, वारदात में परिजन भी शामिल, चुपचाप शवों को जलाया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 2 की मौत, 1 घायल। कानपुर में नगर निगम की लापरवाही से 1 बच्चे की मौत, क्रिकेट खेलते वक्त मेन होल में 7वीं क्लास का छात्र गिर गया। अलीगढ़ में बंद फ्लैट से पूर्व छात्रा का शव बरामद, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाली पहली लड़की थी आसमा। मुरादाबाद में महिला की मौत मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस के अनुसार बेटी ने की थी हत्या। अभिनेता आदित्य पंचोली के घर पर सीबीआई की छापेमारी, अभिनेत्री जिया खान मौत केस में कार्रवाई, 5 घंटे तक छापा। थाने में महिला एमएनएस कार्यकर्ताओं का बार पर हमला, बार गर्ल को किया पुलिस के हवाले। गर्मी आते ही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बिना एनओसी के खुले आरओ प्लांट, कार्रवाई के लिए शिकायत का इंतजार कर रहा है प्रशासन। नारायण साईं केस के गवाह पर पानीपत में हमले के बाद सूरत पुलिस अलर्ट, बलात्कार का आरोप लगाने वाली लड़कियों की बढ़ाई सुरक्षा। मिदनापुर में पिंगला की पटाखा फैक्ट्री में एक बार फिर धमाका, 3 दिन पहले भी हुआ था विस्फोट। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में तालाब में डूबकर 4 बच्चियों की मौत, गांव में पसरा मातम। यूपी में बुलंदशहर में पुलिस पर थाने में पिटाई का आरोप, हालात बिगड़ी तो डर कर थाने से भगाया। एसआईटी करेगी भिवानी के बैंक ऑफ बड़ौदा में सुरंग खुदाई की जांच, 3 दिन पहले स्ट्रांग रूम तक पहुंच गए थे चोर, लेकिन नाकाम रही थी कोशिश। यौन शोषण के केस में फंसे आसाराम ने सलमान का दिया हवाला, बोले 20 मिनट भी जेल में नहीं रहे बॉलीवुड के दबंग, मैंने सलाखों के पीछे 20 महीने बिता दिए। सामने आई सहारनपुर के सरकारी अस्पताल की लापरवाही, ऑपरेशन से चंद मिनट पहले गिर गई ऑपरेशन थिएटर की छत, 1 नर्स घायल। पटना में पान मसाला और गुटखा के खिलाफ छापेमारी, 9 दुकानों से करीब 35,000 का सामान जब्त। कानपुर के हैलेट अस्पताल में रैगिंग की घटना, पिटाई का आरोप लगाते हुए जूनियर डॉक्टर्स ने 6 डॉक्टर्स के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। हरियाणा के पलवल में भरे बाजार में 8 लाख की लूट के बाद हत्या, बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने युवक को मारी गोली, लोग गुस्से में। दिल्ली के मयूर विहार में मोमोज की चटनी को लेकर युवक पर रॉड से हमला, वेंडर से हुई थी अनबन। मुजफ्फरनगर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रों का हंगामा, छात्रों को प्रिंसिपल ने थप्पड़ मारा तो बढ़ गया बवाल। सामने आया कटनी पुलिस का हैवान चेहरा, चोरी के आरोप में नाबालिगों की बेरहमी से पिटाई। कर्नाटक के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने केंद्र राज्य सरकार पर लगाया आरोप, का भ्रष्टाचार की लड़ाई की वजह से जबरन खत्म कर दी गई सेवा।
दिल्ली की तिहाड़ जेल में दो कैदियों के शव मिले, 32 साल के कैदी और 26 साल के एक कैदी की लाश मिली। नैनीताल में मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना की शुरुआत, 21 बुजुर्गों को बस में बैठाकर बद्रीनाथ के लिए किया गया रवाना, डीएम दीपक रावत ने दी जानकारी। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने 6 हफ्ते की जमानत की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा, पूछा कैसे लौटाएंगे निवेशकों के पैसे। सलमान खान को जोधपुर अदालत से झटका, गवाहों से फिर जुरह करने की याचिका खारिज। बिलासपुर में करोड़ों के कोयले की हेराफेरी का मामला, सेंट्रल विजिलेंस की टीम ने छापे मारे, वक्त खत्म होने के बाद चल रही थी कोयला लूडिंग की कार्रवाई। अधूरे पुल ने पुणे में पबाल के लोगों को किया परेशान, बारिश में पूरी तरह से कट जाएगा गांव के आसपास से संपर्क। नासिक कुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शिरडी में किए जाएंगे खास इंतजाम, साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने 57 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। नई कार खरीदने के लिए 17 मई को अपनी पुरानी गाड़ी की नीलामी करेंगे अन्ना हजारे, 2007 से कर रहे हैं इस्तेमाल। पिछले एक महीने में बिहार के करीब 60 विधायकों ने छोड़ी एलपीजी सब्सिडी, राज्य के 20,000 लोग प्रधानमंत्री की मुहिम का बने हिस्सा। बिलासपुर में किसानों को कृषि उपकरण बांटने की योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा, बेनामी संस्था बनाकर करोड़ों की रकम हड़प ली। यूपी के बांदा में सामने आई सरकारी स्कूल की लापरवाही, भारत के गलत नक्शे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं टीचर, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। यूपी के लखीमपुर खीरी के सरकारी स्कूल में अधिकारियों ने उड़ाई मांस और शराब की दावत, डीएम को मिली भनक लेकिन छापेमारी से पहले फरार हो गया आरोपी। बिहार में भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में छात्रों का हंगामा, प्रिंसिपल को हटाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। गुजरात से आई टीम ने वाराणसी में साफ सफाई की, लोगों को स्वच्छता अभियान का दिया संदेश। नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीददारों की टेंशन दूर, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के खिलाफ सुनाया फैसला, कहा वापस नहीं मिलेगी बेची हुई जमीन। बर्खास्त किए जाएंगे रायपुर मेडिकल कॉलेज के करीब 125 डॉक्टर, वेतन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर कई दिनों से कर रहे हैं हड़ताल। थोक महंगाई दर में आई गिरावट, अप्रैल महीने में -2.65% पर पहुंची। कोलकाता में गर्मी से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने किए विशेष इंतजाम, ड्यूटी पर जवानों को चश्मा छाता और दूसरे जरूरी सामान दिए। जयपुर धमाके की बरसी पर हनुमान मंदिर में की गई विशेष आरती, 2008 में हुआ था ब्लास्ट। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही बड़ी रेलवे मुसाफिरों की मुश्किलें, रिजर्वेशन के लिए जबरदस्त मारामारी, साधारण टिकटों के लिए भी लोगों को करनी पड़ रही है कड़ी मशक्कत। 5 महीने बाद खुला श्रीनगर लेह हाईवे, बर्फबारी की वजह से बंद था रास्ता। पश्चिम बंगाल के नाडिया में यूनाइटेड पब्लिक सर्विस अवार्ड, निर्मल बंगला प्रोजेक्ट के लिए मिला सम्मान। महाराष्ट्र के बुलढाणा में नशा मुक्ति के लिए पिछले 2.5 साल से अभियान चला रही हैं प्रेमलता, करीब 10,000 महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। रोहतक में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम, स्पेशल गुलाबी ऑटो की शुरुआत, महिलाएं ही होंगी ड्राइवर। हाजीपुर में पति ने नहीं बनवाया घर में शौचालय तो पत्नी ने दी तलाक की अर्जी, 4 साल पहले हुई थी शादी। भूकंप जैसे हालात से निपटने के लिए गुवाहाटी में तैयारी, रक्तदान के लिए लगाया गया शिविर। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 2 दिनों में अंडमान में पहुंचेगा मानसून, 30 मई तक केरल तट पर पहुंचने की संभावना।
यूपी के बुंदेलखंड में कुआरों का गांव पानी की समस्या की वजह से कोई बेटियों का ब्याह यहां नहीं करता, कोसों दूर पैदल जाकर लाना पड़ता है पानी। विशाखापट्टनम में दुनिया के सात अजूबों की प्रतिमूर्ति की प्रदर्शनी देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। खतरे में ताजमहल की सफेदी, पुरातत्वविदों के अनुसार पास के शमशान की वजह से पीला पड़ रहा है रंग। अमेरिका के टेक्सस से गाजियाबाद आया छात्रों का समूह, ऑपरेशन स्माइल में जानकारी जुटाना है उद्देश्य। तनु वेट्समनु रिटर्न्स के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंची कंगना, 22 मई को फिल्म है रिलीज़।